फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलें, जहां अक्सर हम अपने डेली रूटीन में कहते हैं, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, या कहीं वह धोखा तो नहीं देगी, या कहीं वह देर तो नहीं होगा, या कहीं तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है? इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलना पड़ता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्ट्रक्शन फॉर्म समझना होगा कि इस तरह के वर्ड को कॉन्ट्रक्शन कैसे करें, यानी इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इनका कॉन्ट्रक्शन फॉर्म लिखा हुआ है, जैसे इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आंट, वाज नॉट का वाजंट, वर नॉट का वरंट, सेल नॉट का सेंट, विल नॉट का ओंट, हैव नॉट का हैवंट, हैड नॉट का हैजंट, हैड नॉट का हैडंट, शुड नॉट का शुडंट। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरीके से शायद आपको याद न हो, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। आप इस बात को ट्रिक से याद रखें। जैसे मान लीजिए आप इनका शॉर्ट फॉर्म करना चाहती हैं, जैसे इज नॉट को कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आप ओ को हटा दें और ऊपर से एक सिंबल लगाएं, और इस सिंबल का नाम है अपोस्ट्रॉफ है। तो फ्रेंड्स, ये इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो चुका है। उसी तरीके से अगर आप आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म चाहते हैं, तो आप ओ को हटा दें और उसके जगह पर अपोस्ट्रॉफी का सिंबल दे दें। अगर आप हैव नॉट को छोटा करना चाहते हैं, तो आप ओ के जगह पर अपोस्ट्रॉफी का सिंबल दें। ये है तरीका फ्रेंड्स किसी हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म करने का। हाँ, यहाँ पर आपको एक बात याद रखना होगा, ये चार ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़ा अलग हैं या हटकर हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। जैसे शैल नॉट को हम कहेंगे सेंट, विल नॉट को हम कहेंगे ओंट, कैन नॉट को कहेंगे कांट, और एम नॉट को कहेंगे आंट। यानी जो आर नॉट का होता है, वही एम नॉट का छोटा फॉर्म होता है। तो एम नॉट और आर नॉट दोनों का शॉर्ट फॉर्म होगा आंट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये चार वर्ड्स अलग से याद रखेंगे, और अगर हम इनकी बात ना करें तो बाकी सब कॉमन है। अगर आप उनका शॉर्ट फॉर्म चाहते हैं, तो ओ को मिटा दें, ओ के जगह पर अपोस्ट्रॉफी का सिंबल दें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने ये बात समझा। आइए अब एग्जांपल्स देखें। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना। तो फ्रेंड्स, चाहे आप कहें तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना, या कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ये दोनों सेंटेंस देखने में अलग लगते हैं, बट है एक ही चीज। और इन दोनों का ट्रांसलेशन आप ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तो आप कहेंगे यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। उसके बाद जो ये न है, इसके लिए आप अपने सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो भी हो उसे लिखें, और उसके बाद आप अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखें। जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है यू, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा यू। तो फ्रेंड्स, इस न के लिए अपने सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद अपने सब्जेक्ट को लिखें। अगर आप इतना कर सकते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं कहीं तो या ना, बड़े आसान तरीके से बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ लास्ट में आता है ना या कहीं तो, हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। कहीं वह धोखा तो नहीं देगी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी विल नॉट चीट विल शी। कहीं वह देर तो नहीं होगा, ही विल नॉट बी लेट विल ही। कहीं तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग अस फूल आर यू। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये नहीं समझा कि इसको ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है, यानी स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले वो स्ट्रक्चर देख लें, ताकि आप समझ सके कि मैंने इसको कैसे ट्रांसलेट किया है। वह आ गया है ना, तो आप कहेंगे ही हैज कम हैजंट ही। फ्रेंड्स, आपने देखा कि आपका ये पहला सेंटेंस है पॉजिटिव है, इसलिए मैंने टैग बनाते वक्त हैज का शॉर्ट फॉर्म लिखा, यानी नेगेटिव फॉर्म लिखा। आइए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। वह नहीं आया है ना, तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि ये सेंटेंसेस नकारात्मक है, तो यहाँ पर मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है ही हैज नॉट कम, लेकिन इस न के लिए मैंने लिखा हैज ही, क्योंकि जब आपका पहला सेंटेंसेस नेगेटिव हो तो दूसरा वाला अफर्मेटिव होगा, और अगर पहला वाला अफर्मेटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा। कहीं वह धोखा तो नहीं देगा, या वह धोखा नहीं देगा ना। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे,
आप कहेंगे वह धोखा नहीं देगा, यानी ही विल नॉट चीट। उसके बाद न के लिए आप लिखेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब यानी विल। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है ही। तो ये पूरा सेंटेंस हुआ ही विल नॉट चीट विल ही। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह लेसन शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।